फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की वित्त व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने बजट पर चर्चा किया था जो कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकार के प्राप्ति एवं व्यय पर जो हम लोगों ने चर्चा किया था, यानी कि सरकार को किस स्रोत से आय प्राप्त होता है और विभिन्न प्रकार के योजनाओं पर और देश के विकास पर किस तरीके से खर्चे किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान के जो है इस लेक्चर में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था में तरलता और साख के स्तर को किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, जो कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है RBI का एक महत्वपूर्ण जो है काम होता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव इत्यादि चीजों को रोकना संभव हो सके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो भारत की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत इसी बात का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। वित्त व्यवस्था से तात्पर्य क्या है कि उन बाजारों, संसाधनों और संस्थाओं के समूह से है जिसके द्वारा बचत को बढ़ाया जाता है, उन बचत के बेहतर प्रयोग करने का जो है प्रयास किया जाता है, ताकि जो है देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके और देश का जो है विकास हो सके। उन सभी क्षेत्रों के लिए जहां पर वित्त की कमी है वहां पर वित्त को पहुंचाया जा सके। जैसे क्षेत्रीय आधार पर दो चीजें हैं, एक तो क्षेत्रीय आधार पर और दूसरा है जो है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। इन दोनों ही आधारों पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वित्त की जो है स्थिति का निर्धारण किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर जैसे कुछ स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, ये आपके जो है विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर कुछ राज्य जो है पूर्वोत्तर के हो गए या पूर्व के हो गए, जिसमें जो है उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश को भी आप मान सकते हैं। यद्यपि निरंतर उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं और रणनीतियों के आधार पर यह जो है विकसित राज्यों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास की व्यापक और संभावनाएं हैं और यहाँ पर अभी विकास की जो है और गुंजाइश है। तो इस आधार पर जो है, क्षेत्रीय आधार पर जो है वित्त की कमी हो जाती है। तो वित्त व्यवस्था का उद्देश्य यही होता है, सरकार इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्राथमिक सेक्टर जो है बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्र का निर्धारण, इसके लिए सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, यानी कि जैसे कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, मोटा मोटा इसको इसी रूप में जो है देखा जाता है। तो बेसिकली आर्थिक गतिविधियों में जो है सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में निवेश लोग कम करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे अनिश्चितताएं भी हैं और लोगों को मुनाफा कम प्राप्त होता है। तो सरकार की ऐसी नीति होती है जिससे कि जो है कृषि के क्षेत्रों का भी विकास हो सके, इसीलिए जो है इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया। शिक्षा में जो है दीर्घकालिक जो है प्राप्ति होती है, इसको सम्मिलित किया गया है। छोटे उद्योग, गृह ऋण, ये सभी जो है क्षेत्र जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और सरकार इस तरीके की पॉलिसी बनाती है और उसी पैटर्न पर मौद्रिक क्षेत्र में RBI नीति बनाती है कि सभी जो है वाणिज्यिक और निजी बैंक जो है, यानी कि जो RBI से जो है जुड़े हुए बैंक हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र के और जो निजी प्रकार के जो है बैंक हैं, उन दोनों ही सेक्टर के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है कि अपनी टोटल जो ऋण है उसका 40% जो है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे और उनमें से भी जो है 18% जो है लोन वर्तमान समय में कृषि को जो है दिया जा रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा बल्क में जो है वो कृषि पे जा रहा है ऋण। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि उन क्षेत्रों में भी वित्त की आवश्यकता को पूरा किया जा सके जहां पे वित्त की कमी है और विकास
नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में विकास नहीं होगा, एक क्षेत्र में, दो क्षेत्र में, तो इससे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के वित्त व्यवस्था का ये भी एक उद्देश्य है कि वित्त की कमी वाले क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वहां पे भी पॉलिसी, नीति निर्माण और निर्णय निर्माण के माध्यम से जो है उनका विकास करना जो है संभव हो सके। तो बेसिकली ये जो है इस वित्त व्यवस्था का जो है उद्देश्य होता है। वित्त व्यवस्था या को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक जो है मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार, और दूसरा है जो है वो पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। ये दीर्घकालीन जो है वित्त के लेन देन का जो है बाजार होता है, और ये कम अवधि के वित्त के लेन देन का जो बाजार होता है। यानी कि मुद्रा बाजार जो है भारतीय वित्त व्यवस्था का जो है एक ऐसा जो क्षेत्र है जहां अल्प अवधि के लिए वित्त का लेन देन किया जाता है, और इसमें सामान्यतया एक वर्ष तक की जो है अवधि के वित्तीय लेन देन या वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन को सम्मिलित किया जाता है। ये जो होता है वित्त व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा बाजार, और यह जो है RBI का साख और मुद्रा या तरलता को जो है नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण जो माध्यम है। यहां पर एक शब्द आ रहा है तरलता, यानी कि इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तरलता अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो उसे कहा जाता है कि तरलता पर्याप्त रूप से विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि जब तरलता की बात होगी तो इसका तात्पर्य यह है कि कैश या नगद की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना संभव हो सके, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो सके। अगर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो उसकी परिभाषा इस रूप में बन सकती है कि तरलता किसी भी वस्तु की वह विशेषता है जिससे बिना किसी विलंब के और क्षति के मुद्रा को कैश में जो है या नगद में जो है उसको बदलना संभव हो पाता है। यानी कि किसी भी वस्तु की वह विशेषता जिससे उसे बिना किसी क्षति के, विलंब के नगद में चेंज किया जाए, वही तरलता होती है। और चूंकि मुद्रा जो है वो स्वयं में नगद है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है तरल वस्तु जो है वो मुद्रा ही है, जिसे एक सामान्यीकरण मानते हुए हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि मुद्रा किस तरीके से डेवलप हुआ, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसके क्या कार्य हैं, इन सारी चीजों को। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तरलता इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी नई चीज आ रही है, नए नए टर्म्स यूज में यूज होते हैं, जिसके मतलब को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप केवल शब्दों के ही मतलब को समझते हुए चलते हैं तो इकोनॉमी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इससे आप व्यवहारिक स्तर पर, जो व्यवहारिक जगत पे या व्यवहारिक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी गतिविधियां हो रही, जो भी घटनाएं हो रही, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। जैसे कि मुद्रा का मूल्य हो जाता है, या डॉलर के तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी होता है या बढ़ोतरी होती है, तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे जो है आप करके समझ पाएंगे। तो तरलता यहाँ भी ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से मुद्रा बाजार को आपने समझा। पुनः मुद्रा बाजार को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, एक जो है असंगठित मुद्रा बाजार, और दूसरा है जो है वो संगठित, ऑर्गेनाइज्ड संगठित मुद्रा बाजार। प्राचीन काल से जो है व्यक्ति अपने आवश्यकता के जो है आर्थिक मामलों को पूरा करने के लिए जो है हमेशा से एक दूसरे से जो है धनराशि लेता रहा है, लेकिन उसका रूप जो है वो लिखित और पढ़त में नहीं होता था, यानी कि रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं होता था, सरकार के द्वारा नियंत्रित रूप में नहीं होता था, और ना ही संस्थागत रूप में जो है उस पर कोई नियंत्रण होता था, चाहे लोन के ऋण दर को लेकर के हो या जो है उसके वापसी को लेकर के हो। तो ये सारी चीजें जो है वित्त के लेन देन के स्वरूप को असंगठित बना देते हैं। इसमें जो है महाजन योम जो है साहूकार आते हैं। अब इनके द्वारा अभी भी कुछ क्षेत्रों में भारत में ऋण की जो है लेन देन की व्यवस्था होती है, वित्त के लेन देन की व्यवस्था होती है, यानी कि इसको संक्षिप्त रूप में जो है एक समानांतर ऋण
की जो है व्यवस्था या ऋण की जो है बैंकिंग व्यवस्था आप कह सकते हैं, जिसपे ब्याज की बहुत ही उच्च दर होती है, और कोई भी व्यक्ति अगर इस जाल में एक बार फंस जाता है तो उसका निकलना जो है कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा जो है उसके ब्याज के ही चुकाने में जो है परेशान रहता है और मूलधन कभी नहीं चुका पाता, इसीलिए जो है वो हमेशा ऋण के जो है दुष्चक्र में फंस जाता है। और इस व्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी, आरबीआई के द्वारा भी पॉलिसी बनाई जा रही थी। 1982 ईस्वी में जो है नाबार्ड की जो है स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास का बैंक है जो नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसके द्वारा 1992 ईस्वी में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो है का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को वहां पे रखते हैं और आवश्यकता पड़ने से वहां से लेते हैं, ऋण भी लेते हैं, और सरकार के द्वारा कुछ उसमें जो है सहायकी की अनुदान या सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है, जिससे जो है जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो कुछ नया काम कर पाते हैं, कृषि में सुधार कर पाते हैं, छोटे स्तर पर जो है कोई बुनियादी औद्योगिक कार्य भी जो है शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया गया जो है, जिससे कि असंगठित क्षेत्र को समाप्त किया जाए और इन लोगों को जो है वो इन लोगों को आर्थिक गतिविधियों में संस्थागत प्लेटफॉर्म पर लाया जाना संभव हो सके। तो ये जो है पहल जो है सरकार की तरफ से थी। लेकिन जो मुद्रा बाजार का जो सबसे इंपॉर्टेंट और 98% सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, यानी कि संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक गतिविधियों के लिए एक संस्थागत स्तर पर लिखित परत में रजिस्टर्ड में एक नियंत्रित ब्याज दर पर जो है वित्तीय व्यवस्था का जो है लेन देन जो है किया जाता है, और वित्तीय व्यवस्था की जो स्थापना वहां पे की जाती, वित्त का लेन देन किया जाता है, वो संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें तीन चीजें हैं, एक तो हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था है ये आती है, दूसरा इसमें निवेश संस्थाएं आती हैं, और तीसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ बाजार की अवधारणाएं, इसको हम लोग इसमें देखते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में जो आरबीआई शीर्ष पर है, जिसके द्वारा मौद्रिक नीति का बनाया निर्माण भी किया जाता है, और बेसिकली जो है सभी वाणिज्यिक बैंक इसी से जो है नियंत्रित होते हैं, इन्हीं की शर्तों को मानते हैं। तो हमारी आरबीआई से जो वाणिज्यिक बैंक जो है वो संगठित रूप से जो है मुद्रा बाजार के रूप में काम करता है, जो भारत की वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रीढ़ के रूप में माना जाता है। और इसमें जो है सभी जो है वाणिज्यिक बैंकों को, सरकारी बैंकों को, आरबीआई इत्यादि को जो है सम्मिलित किया जाता है। दूसरे स्तर पर निवेश कुछ संस्थाएं आती हैं, जैसे इसमें LIC है, GIC है, UTI है, और इसी तरीके से DFHI यानी कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया है, ये सारी चीजें इसमें जो है सम्मिलित की जाती है। तो इनके द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत की वित्त व्यवस्था में जो है एक्टिविटी में जो है अपनी भूमिका अदा किया जाता है। बेसिकली एक सवाल कभी कभी ये आता है, जैसे भारत में जो ये संस्थाएं हैं, इन जैसे LIC आपकी आ गई, इसी तरीके से GIC आ गई और अन्य UTI आ गई, जो भी अन्य संस्थाएं हैं जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है जनता से धनराशियों को जो है प्राप्त करते हैं, तो ये कहीं पे बल्क में उनको जो है रखते नहीं है, बल्क में उनको एक जगह पे नहीं रखते, बल्कि इनकी अपनी कोर आर्थिक जो यूनिट होती है उसके द्वारा उस बल्क में जो है प्राप्त हुए धनराशि को या वित्त को जो है आनुपातिक रूप से अलग अलग योजनाओं में जो है निवेश किया जाता है, जिससे उनको ब्याज दर प्राप्त होती है, और उसी ब्याज दर के आधार पर मैच्योरिटी टाइम पर जो है सब्सक्राइबर को या विदाता को जो है इन निवेश करने वाली संस्थाओं के द्वारा धनराशियों की वापसी की जाती है। तो इस कारण से जो है ये भी कहीं ना कहीं वित्त व्यवस्था में जो है सम्मिलित होती है। तो ये चीज जो है आपको समझ में जो आया होगा कि निवेश संस्थाएं बीच में जो भाग लेती, कुछ बाजार की गतिविधियां हैं, कुछ बाजार के प्रकार हैं जो वित्त के लेन देन उसके स्वरूप के आधार पर कुछ बाजार के प्रकार भी जो निकल करके जो सामने आए हैं। इसमें जो है एक नाम है काल मनी मार्केट, दूसरा है ट्रेजरी बिल मार्केट,
ट्रेजरी बिल मार्केट, और तीसरा है जो है व्यापारिक बिल मार्केट। व्यापारिक बिल मार्केट तो ये तीन आती हैं। अब यहां पे काल शब्द एक आया हुआ, काल मतलब जैसे व्यक्ति को कहीं पे जाना हो या कोई सूचना भेजना हो तो व्यक्ति फोन कर लेता है, बहुत आसानी से वो काम हो जाता है। तो दिन इस जो है मार्केट के लिए काल शब्द इसलिए प्रयोग में आया है कि अत्यंत जो है कम अवधि के जो है वित्त के लेन देन का जो क्षेत्र होता है काल मनी मार्केट, बहुत ही प्रतिस्पर्धी और संवेदनशील बाजार होता है, जहां पर मांग और पूर्ति के द्वारा जो है वित्त के लेन देन के लिए रेट का निर्धारण होता है, उसे काल मनी मार्केट जो है रेट कहा जाता है। और इसे जो है इसका निर्धारण जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है होता है, और इसे जो है रात भर की दर या ओवर द नाइट रेट भी कहा जाता है। रात भर की दर, कभी कभी ये भी ऐसे ही केवल टर्म जो है पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है रात भर की दर। तो ये काल मनी मार्केट से ऐसे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वन डे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैकल्पिक टाइप के प्रश्न जो है यहां से उठ सकते हैं। तो रात भर की दर ओवर द नाइट रेट, इसको ओवर द नाइट रेट कहा जाता है काल मनी मार्केट, जहां पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है इसका रेट का निर्धारण। फोन लाइन पर जो है दो पार्टियों के बीच में, यानी कि ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले के बीच में ब्याज की दर और लोन की धनराशि के बीच में जो समझौता हो जाता है, और ऋण लेने वाला व्यक्ति जो है ऋण देने वाले व्यक्ति को एक उधारी रसीद जारी करता है, और ऋण देने वाला व्यक्ति जो है ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास एक चेक जारी करता है, जिससे उसको धनराशि प्राप्त हो जाती है। और ये समस्त गतिविधियां जो है वो DFHI के माध्यम से जो है संपन्न होता है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है संपन्न होता है। यानी कि जैसे जो औद्योगिक घराने हैं, कभी कभी उनको बहुत ही कम समय के लिए जो है ऋण की आवश्यकता होती है, या उनको यूं कहा जाए कि उन्हें धन या उन्हें कहीं से जो है वित्त प्राप्त होने की संभावना होती है, लेकिन एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए जो है वित्त की कमी होती है, तो वो इसी मार्केट पर निर्भर होते हैं। उसकी शर्तें इसी तरीके से निर्धारित होती हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील होती हैं और भारत की वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। तो कुल मिलाकर के काल मनी मार्केट भारत की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा बाजार का वह क्षेत्र है, जहां पर अत्यंत कम अवधि के लिए वित्त का लेन देन होता है, बहुत ही प्रतिस्पर्धी और संवेदनशील बाजार होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है रेट का निर्धारण होता है, जिसे रात भर की दर या ओवर द नाइट रेट भी कहा जाता है। फोन लाइन पर दोनों ही पार्टियों के बीच में लेन देन की जो है सारी शर्तें जो है तय होती हैं, और एक चेक तथा उधारी की रसीद के माध्यम से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि इसको क्रियान्वित किया जाता है। और दूसरी तरफ ये सारी चीजें जो है DFHI के माध्यम से संपन्न होती हैं। दूसरा है आपके ट्रेजरी बिल मार्केट, सबसे पहली बार 1917 ईस्वी में इसको जो है जारी किया गया था। पहले एक व्यवस्था होती थी बजट घाटे को पूरा करने के लिए, हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था, उसमें सरकार के द्वारा या तो करेंसी की छपाई की जाती है, या दूसरा जो है ट्रेजरी बिल के मार्केट से अस्थायी उसको एडहॉक ट्रेजरी बिल होता था 90 दिवस के लिए, इसके माध्यम से वो धन की प्राप्ति करते थे। लेकिन 1997 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया, 1997 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद से अर्थोपाय अग्रिम, यानी कि बेज एंड मींस एडवांसेज, अर्थोपाय अग्रिम, अर्थोपाय अग्रिम का मतलब अर्थ के लिए उपाय किया जाना, यानी कि जो घाटे की व्यवस्था है उसके लिए उपाय किया जाता है। इसमें RBI और सरकार के बीच में एक समझौता होता है, एक रेपो रेट के दर पर जो है ब्याज के दर पर जो है ऋण प्राप्त होता है, और वो जो है व्यवस्था 1997 ईस्वी से जो है बेज एंड मींस एडवांसेज के रूप में आई। उसके पहले से जो है हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था, जिसे 1997 ईस्वी में खत्म कर दिया गया। यानी कि 90 दिन की जो ये अस्थाई ट्रेजरी बिल होती थी, अब वो समाप्त हो गई। अब इसके स्थान पर जो है नीलामी, इसके स्थान पर जो है नीलामी ट्रेजरी बिल आ गई, और यह जो है क्रमशः 91, 182 दिन और 364, यानी कि इसका डबल ये और इसका डबल ये, इतने प्रकार का जो है ये नीलामी ट्रेजरी बिल जो है हो जाती है। नीलामी का मतलब ये होता है कि बोली लगना, यानी कि जो है नीलामी मांग और पूर्ति के माध्यम से जो है इसके जो परिलब्धियां उपलब्धियां जो निर्धारित होती हैं, और इसकी पुनर्कटौती नहीं हो सकती। यानी कि सरकार ने अगर ये बिल जारी कर दिया
और उसके माध्यम से जो है उसको प्राप्त हो गया वित्त, तो जिस पार्टी ने जो है उस बिल को लिया पुनः वो तीसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता। तो कहने का मतलब इसकी पुनर्कटौती नहीं होती है और ये भारत के जो है भारत सरकार के द्वारा ऋण लेने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना जाता है। तो अब जो है 1997 से अस्थाई यानी कि एडहाक के स्थान पर जो नीलामी ट्रेजरी बिल जो है अस्तित्व में आ जाता है। अगला है व्यापारिक बिल मार्केट, औद्योगिक घरानों के द्वारा लिए जाने वाला जो है ये सबसे ही प्रचलित जो है माध्यम है, इसके द्वारा जो है ऋण लिया जाता है। इसे व्यापारिक बिल मार्केट यानी व्यापारिक बिल को विनिमय विपत्र भी कहा जाता है, जिसमें जो है तीन तरीके के लोग होते हैं। एक जो है बिल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा लिखने वाले व्यक्ति निर्देश पर वह एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के बाद जो है प्राप्तकर्ता को दे देता है। तो इसमें जो होते हैं तीन लोग होते हैं, ड्राई होते हैं, ड्रार होते हैं और होते हैं पेई प्राप्तकर्ता। इसको जो है आहारी कहते हैं, इसको आहारता कहते हैं, इसको प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी कि ये जो है उस बिल को स्वीकार करता है और इसके निर्देश पर जो है लिखित रूप में एक निश्चित समय के बाद जो पे यानी कि प्राप्तकर्ता को एक निश्चित धनराशि वो दे देता है। तो ये विनिमय विपत्र होता है औद्योगिक घरानों के द्वारा जो इस तरीके से जो लिया जाने वाला बिल होता है। कुल मिला करके इकोनॉमी के इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल टर्म आए हुए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अवधारणाएं आप लोगों ने देखा समझा। इकोनॉमी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक सब्जेक्ट है जो कि व्यवहार पर आधारित है, लेकिन कुछ जो है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में नए टर्म जो यूज होते रहते हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन चीजों को ध्यान से समझिए और सीख करके जो है व्यवहारिक स्तर पर होने वाली गतिविधियों से जो है साम्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो इससे आप उम्मीद करते हैं कि चीजें जो सीखते जाएंगे और एक निश्चित समय के बाद आपको इकोनॉमी की एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने जो है मुद्रा बाजार, संगठित असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, इस चीज को समझने और देखने का प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके जो है अगले पार्ट यानी कि बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत, उसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो उस लेक्चर को लेकर के हम आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। नमस्कार।